5 जून उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हिंदू हृदय सम्राट परम तपस्वी बाबा योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर नवीन युवा संगठन ने बड़ी सादगी व उमंग के साथ जन्मदिन मनाया। आज के एकादशी तिथि व योगी के जन्मदिन पर कोरोना जैसी महामारी में आकस्मिक जनहानि होने पर मृतक आत्माओं की शांति हेतु आनंदपुरम कॉलोनी में आज एक यज्ञ भी रखा गया। किस तरह से कार्य जाजन आनंदपुरम कमेटी अध्यक्ष आज मृतक की आत्मा जो हमारे कोरोना काल में चले गए हैं लोग मृत्यु में उनकी वजह से उनको शुद्धिकरण के लिए उनको श्रद्धांजलि के रूप में हमने आज हवन का आयोजन किया गया है और योगी जी के बर्थडे भी है आज उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनके भी चलो केक काटना हमारे हिंदू धर्म में नहीं है लेकिन हम उसकी जगह पे फल वितरण कर रहे हैं। मैं विक्की बाबा अध्यक्ष नवीन युवा संगठन। किस तरह से आज ये हवन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया? आज हम लोगों ने एक हवन का कार्यक्रम रखा था आनंदपुरम कॉलोनी आनंदेश्वर मंदिर में। जो लोग हमारे कोरोना महामारी में परिचित लोग और देश के इतने लोग चले गए उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए हमने ये हवन रखा है। आज योगी जी का जन्मदिन है, आपका हार्दिक शुभकामना देता हूँ मैं अपने योगी जी को और एक निवेदन करता हूँ जिन लोगों के सर से माँ बाप का हाथ उठ गया उनकी शिक्षा वगैरह के लिए योगी जी उनके मुक्त राशि का। कितने वृक्ष लगाए गए हैं आज? हम लोगों ने करीब 12 से 15 वृक्ष लगाया। क्या नाम है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संगीता शर्मा। हम किस तरह से वृक्षारोपण किया गया है, हवन भी किया गया, क्या कहा? जी, आज हमारे माननीय योगी जी का जन्मदिन है उसके अवसर पर सबसे पहले तो हमने उनके अवसर पर ये सादगी भरा एक वो किया है कि पर्यावरण को हम आगे बढ़ाएंगे और एक हवन भी किया है। मैम कितने वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर? वृक्ष 10 से 12 लगाए गए हैं और हमारा उद्देश्य यही है जो आज के लिए बीमारी फैल रही है कोरोना जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तब तक हमारे ऊपर आपदा आई है, इसीलिए हम आगे भी यह संदेश देना चाहते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और आगे हम आने वाली जनरेशन को जो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इस समय सिलेंडर पड़ रही है, वो हमें हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली उनको मिलता रहे ऐसे, यही हमारा उद्देश्य है। और फिर से मैं एक बार योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनके जन्मदिन के लिए। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।